नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेरे सामने खड़ी है न्यू 2022 में लॉन्च हुई सुपर स्प्लेंडर फुली ब्लैक कलर में। तो ये वन एंड ओनली कलर ब्लैक यही मिलेगा आपको जो 2022 में अभी लॉन्च हुई है। तो सुपर स्प्लेंडर में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस है इसका, ऑन रोड एक शोरूम क्या प्राइस है वो हम बताएंगे आपको, और सारे फ़ीचर्स मैं आपको इसमें दिखाऊँगा। तो फ्रंट से मैं शुरू करता हूँ, फ्रंट लुक आपको मैं इसका दिखा देता हूँ। तो फ्रंट से आप देखेंगे तो आपको ब्लैक वाइज़र मिलेगा फुली, और क्रोम का ट्रीटमेंट आपको इसमें यहाँ दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पे आपको 3D में हीरो की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और ये क्रोम का ट्रीटमेंट से आप देखेंगे तो कुछ लुक ऐसा आता है। तो ये सबसे बड़ा जो बदलाव है इसमें सुपर स्प्लेंडर में, आपको फुली ब्लैक कलर आपको ये मिलता है देखने को। और साइड से हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको टैंक के ठीक नीचे आप देखेंगे तो क्रोम का यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और SI टेक्नोलॉजी का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। i3S टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और फुली साइड पैनल आपको देख सकते हैं बिल्कुल फुली ब्लैक में आपको मिलता है। और यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो हीरो की ब्रांडिंग 3D लुक में आपको क्रोम में दिख जाएगी। और आ जाते हैं हम इसके टैंक के पास, तो टैंक में आप देख सकते हैं 3D लुक में आपको सुपर स्प्लेंडर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो टैंक है, आप देख सकते हैं टैंक आपको फुली ब्लैक मिलता है, कोई ग्राफिक्स वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, फुली ब्लैक में आपको पूरी गाड़ी देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं हम इसके फ्रंट की तरफ दोबारा से, तो फ्रंट में मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं, और मडगार्ड भी आपको फुली ब्लैक में ग्लॉसी लुक में आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। और साइड रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं, तो ये भी डिस्क वेरिएंट खड़ा है मेरे सामने, और इसमें आपको एक ड्रम वेरिएंट और मिल जाएगा। तो डिस्क का जो साइज़ है वो 240mm का आपको डिस्क मिलता है यहाँ पे। और टायर की अगर हम बात करें तो TVS के टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और टायर साइज़ आप देखेंगे तो 80-118 इंच का आपको फ्रंट में टायर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे कलर में आपको हीरो की ब्रांडिंग इंजन पर देखने को मिल जाएगी। तो ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन इंजन पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ आ जाता है हमारा किक और सेल्फ। अब मैं लेके चलता हूँ इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। तो बैक प्रोफाइल से आपको हेलोजेनी टेल लाइट्स मिलती है बल्ब के साथ में, और ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी हमारे ग्रैबरेल के जस्ट नीचे हीरो की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाएगी, और ग्रैबरेल आपको फुली ग्लॉसी लुक में पूरा मिलता है। तो ग्रैबरेल आप देख सकते हैं इसका, और ये शोरूम है बरेली में, आप देख सकते हैं सीट कवर पे आपको मिल जाएगा किप्स हीरो सिविल लाइन, आप यहाँ के विज़िट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, हीरो की आपको सारी गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और अब मैं लेके चलता हूँ इसके मेन जो मीटर की तरफ, मीटर में आपको दिखा देता हूँ इसका। तो मीटर में देखते हैं क्या क्या हमें इसमें मिलता है। यहाँ पे हमारी क्लॉक आ गई, यहाँ फ्यूल का आ गया हमारा ऑप्शन, और यहाँ पे हमारे किलोमीटर्स आ गए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हीरो की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी अच्छी लग रही है ब्लू कलर में। ये फ्यूल का आ जाता है हमारा, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया हमारा, सर्विस रिमाइंडर आ गया। तो एनालॉग और डिजिटल मीटर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर से मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लॉक हमारी, दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्लॉक आ गई यहाँ पे। लो फ्यूल इंडिकेटर वगैरह हमारा यहाँ पे आ जाता है, और फ्यूल के हमारे जो यहाँ पे सेल हैं जितने पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और किलोमीटर हमारा यहाँ पे आ जाता है। और साइड तरफ आएंगे तो साइड की तरफ, तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग का पोर्ट और मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर ऑप्शन। मैं चार्जिंग पोर्ट आपको दिखा देता हूँ, तो USB चार्जर पोर्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है, आप ये देख सकते हैं। आपको वैसे ही बटन्स मिलते हैं यहाँ पे, लो बीम हाई बीम आ जाएगी हमारी यहाँ पे, और साइड बाय साइड इंडिकेटर्स आ जाएंगे, ऑन का स्विच आ जाएगा, यहाँ हमारा सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है, और i3S टेक्नोलॉजी का बटन आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाता है। और की आप देख सकते हैं हीरो की आपको मिलती है यहाँ पर, हीरो की ब्रांडिंग की कुछ ऐसी मिलेगी हमें यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और नीचे आप देखेंगे तो रबड़ का आपको बोल्ट की तरफ ग्रिप मिल जाएगा, और हैंडल कुछ हैंडल का पोस्चर कुछ ऐसा मिलता है हमें यहाँ पे, और टैंक आपको कुछ ऐसा मिल जाता है यहाँ पे। तो 12 लीटर का हमें फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिल जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं हम इंजन की, तो 124.0
7 cc का आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। पावर्स की अगर मैं बात करूं तो 10.8 PS की आपको पावर मिल जाती है 7500 RPM पे, और टॉर्क की इसकी अगर मैं बात करूं तो 10.6 Nm का हमें टॉर्क मिल जाता है 6000 पे। और वेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग पूरी गाड़ी का जो वेट हमें 122 से 123 kg आपको इसमें वेट देखने को मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की मैं इसकी बात करूं तो आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड हमें मिल जाता है, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का सिस्टम मिल जाएगा। 5-speed ट्रांसमिशन आपको मिल जाएंगे देखने को, और साइड से कुछ लुक यहाँ पे ऐसा आता है। तो दोनों तरफ आपको सेम लुक मिलता है, सेम पैटर्न मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया, फुली ब्लैक में आपको ये वन एंड ओनली कलर स्प्लेंडर का देखने को मिल जाता है। और कुछ फुटरेस्ट हमारे ओल्ड जैसे ही यहाँ पे देखने को पिलियन के लिए मिल जाते हैं। और 5 adjustable रियर सस्पेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और सारी गार्ड कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे। पीछे की टायर की मैं बात करूँ तो पीछे का टायर भी आपको TVS का ही देखने को मिल जाता है। और पीछे के टायर की साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 90-98 inch का आपको टायर देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जॉस्ट में अभी इसमें कवर नहीं लगा हुआ है, आपको क्रोम का पूरा जो मिलेगा कवर मिल जाएगा यहाँ पे। और साइड क्लियन भी आप देख सकते हैं, आपको ओल्ड वाले ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस की। तो आपको अगर मैं पहले ड्रम ब्रेक आपको बता देता हूँ, ये डिस्क वेरिएंट है आपको, तो डिस्क वेरिएंट में और ड्रम ब्रेक में आपको जो फ़र्क आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ड्रम ब्रेक का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्स शोरूम जो मिलता है हमें ड्रम ब्रेक, वो 76,830 रुपये मिलती है, और इसका ऑन रोड जो प्राइस आएगा हमारा ड्रम ब्रेक का, वो 95,682 रुपये आपका आएगा बरेली में। तो बरेली में आप किस शोरूम आ सकते हैं, सिविल लाइन में यहाँ पे शोरूम है, यहाँ विज़िट कर सकते हैं। आपको तो हीरो की आपको लगभग सभी गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और हम बात कर लेते हैं इसके डिस्क वेरिएंट की। तो डिस्क वेरिएंट आपको जो एक्स शोरूम पड़ता है वो पड़ता है आपको 80,700 रुपये, और ऑन रोड जो प्राइस पड़ता है डिस्क वेरिएंट का वो 1,200 रुपये। तो आपको 1,200 रुपये में विद एसेसरीज़ कंप्लीट, हेलमेट फुल एसेसरीज़ आपको मिलती है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिलेंगी। तो आप यहाँ के विज़िट कर सकते हैं, और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय।